हेलो फ्रेंड्स, ये है एसके फूडी चैनल और मैं हूँ प्राची। आप सबको विश यू ए वेरी हैप्पी रजो। आज रजो के मौके पर मैं उड़ीसा की एक ऑथेंटिक डिश बनाने वाली हूँ, पोड़ो पिठा। पोड़ो पिठा को ट्रेडिशनली कोयले के चूल्हे पे पत्तों के बीच में बैटर रख के बनाया जाता था, बट आजकल ना तो कोयले के चूल्हे अवेलेबल है और ना ही पत्ते, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए पोड़ो पिठा प्रेशर कुकर और माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं ऑथेंटिक पोड़ो पिठा रेसिपी विथ अ मॉडर्न टच। पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए। एक कप ग्रेटेड कोकोनट, 3 से 4 तेज पत्ते, आधा कप काजू जिसको कि हमने घी में फ्राई करके रखा है, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 से 4 इलायची, 1/4 कप कटा हुआ या डाइस्ड कोकोनट और 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए 3/4 कप गुड़ जिसको कि मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो कि है पोड़ो पिठा का बैटर। बैटर के लिए मैंने 1 कप अरवा चावल और 1/2 कप उड़द दाल को रात भर पानी में भिगो के रखा, सुबह उसको पीस लिया और 8 घंटे तक फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बैटर पोड़ो पिठा के लिए यूज़ किया है। अब हम पोड़ो पिठा का बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे फेंटने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे नमक डाल के मिक्स कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे गुड़ जिसको कि हमने ग्रेट किया था। गुड़ डाल के हम गुड़ को इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। गुड़ मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, तेज पत्ता जिसको कि हम तोड़ के इसमें डालेंगे, ग्रेटेड कोकोनट और भुने हुए काजू में से 1/2 हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे अच्छी तरह से फेंट देंगे। इसे फेंटने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची जिसको कि हमने थोड़ा सा कूट लिया है। इलायची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसे मिला लेंगे। अब हमारा ये बैटर पोड़ो पिठा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें कि हम नमक डालेंगे। नमक डाल के हम नमक को अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे और इसे गैस पे थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे। जब तक हमारा नमक गर्म होता है हम इस पोड़ो पिठा के बैटर को इस कढ़ाई में डाल देंगे। हमने पोड़ो पिठा बनाने के लिए छोटी सी कढ़ाई यूज़ की है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से फिट आएगी। कढ़ाई को हमने घी लगा के सबसे पहले ऑयलिंग कर लिया है। अब हम इसमें पोड़ो पिठा का बैटर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें पोड़ो पिठा का बैटर डाल दिया है। अब ऊपर से हम इसे काजू और कटे हुए नारियल से डेकोरेट करेंगे। ये हमारे प्रेशर कुकर में जो हमने नमक डाला था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसके अंदर एक बाउल रखेंगे जिसके ऊपर हम अपने पोड़ो पिठा का कंटेनर रखेंगे। ये बाउल हम इसलिए रखते हैं ताकि ये जो पोड़ो पिठा का कंटेनर है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट होके अंदर रहे। ये बाउल रखने के बाद हम अपने पोड़ो पिठा का जो कंटेनर है वो इस बाउल पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस नमक वाले कंटेनर में पोड़ो पिठा का कंटेनर रख दिया है। अब हम गैस का आंच लो कर देंगे और इसको कवर करेंगे। जब हम इसे कवर करें तो याद रखें हमें ना इसमें विसल लगाना है और ना ही उसका प्रेशर कुकर का वॉशर लगाना है। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और इसे लो आंच पे 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 40 से 50 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देंगे। हमने अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया है। अब हम एक फोर्क डालकर चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं।
आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम एक चिमटे की सहायता से इसको बाहर निकालेंगे और हम इसको कट करके सर्व करेंगे। इस पोड़ो पिठा को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर का सरफेस कितनी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे काट करके सर्व करेंगे। इस पोड़ो पिठा को हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। इसे माइक्रोवेव मोड में बनाने के लिए हमने एक ग्लास बाउल ले लिया है, जिसे कि हमने ऑयलिंग कर ली है। उस ग्लास बाउल में हम इस पोड़ो पिठा का मिक्सचर डालेंगे, उसे उसी तरह से डेकोरेट करेंगे। उसके बाद एक प्री हीटेड ओवन में इसे करीब 12 से 15 मिनट तक माइक्रोवेव मोड में पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोवेव में मैंने पोड़ो पिठा रखा था, उसको अभी मैंने निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के कट करके सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें और यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं फिर से वापस आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।